अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इसरार अहमद यूसुफ़ई और आप देख रहे हैं 10x10 यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मरी पाकिस्तान का वो शहर और इलाका है जहाँ सयाह हर साल अपनी फैमिली के साथ विज़िट करते हैं, कुछ सुकून के लम्हात अपने प्यारों के साथ गुजारना चाहते हैं। वैसे मरी में देखने के लिए पिकनिक पॉइंट तो बहुत है, जहाँ दुनिया भर से लोग अपनी फैमिलियों के साथ सुकून के लम्हात इंजॉय करने के लिए मरी जाते हैं। लेकिन कोई मरी देखने जाए और माल रोड न देखे या न घूमे, ऐसा मुमकिन नहीं है। जब आप माल रोड जाएंगे तो जगह जगह एजेंट नज़र आएंगे, जो बज़ाहिर तो आपको होटल के कमरे ऑफर करेंगे, लेकिन उनकी असल वारदात कुछ और होती है। हमारे कुछ दोस्त जब माल रोड पर कमरा लेने के लिए पहुंच गए तो उन लोगों ने क्या देखा, वो क्या वारदात है, आप खुद देखे सुने और सोचे कि क्या ये इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान है जिसमें ये सब कुछ खुलेआम हो रहा है। फिर आपको नीचे लेके चलूंगा, फिर आपसे लूंगा पेमेंट। ये तीन बंदे से अवेलेबल हैं, ये अच्छा सली से देख लूंगा, दो ठीक है, ये तीसरी ये पठानी है जी। ठीक अच्छा, है भाई ठीक है। मैं कहूँ इनको फिल्टर नहीं लगे हुए तो झूठ है। अच्छा, कुछ थोड़ा सा फर्क होता है, बकाया ज्यादा दूर नहीं है मेरे भाई। ये लेंटॉर्स है, लेंटॉर्स के नीचे कमरा है। अच्छा, दो भाई हो जाए। अच्छा ठीक है, इसका भाई से ले लूंगा मैं 15,000 रुपया नाइट का, 4 घंटे का। अच्छा, इन दोनों का 12,000 रुपया ले लूंगा। दरवाजा तू सब तो बड़ा जलील है, अजल अजल तू। पैसे सब लेके आते हैं, ठीक है। सिर्फ उनका इशू ये होता है मेरे भाई के, उन्होंने जाके देखना होता किया केरा, उनको पता होता है कि शायद इसकी भी मिशन है। सही है, वो पहले मेरे साथ जाएंगे। अच्छा, फिर नीचे जाके वो बहाना करेंगे यार मैं एटीएम से पैसे निकाल के लेके आते हैं, उस्मान से पैसे मांग के आते हैं। हाँ, फिर वो मैं ऊपर आ जाऊंगा जब, फिर वो अकेले जाएंगे, अकेले जाके दरवाजा खटकाएंगे, दरवाजा खटका के फिर वो कहेंगे भाई हम भी आए थे खरीदे पहले आपके पास, ठीक है। अच्छा, तो हमें आप चीज दे दें, फिर वो नीचे उनको वहाँ से बेइज्जत करके भेजते, क्योंकि नीचे है मल्ला, यहाँ पे चकला तो है नहीं। अगर आप मरी आते जाते तो आपको पता होगा, सच ऐसी बात है। बाकी ये बात है कि जो चीज पिक में है वो रियल ना हुई तो आपको मैं कहीं खड़ा नहीं कर रहा कि मेरा भाई वहाँ पे खड़ा हो जाए। मैं कमरे के अंदर लेके चलूंगा, आपकी पेमेंट मेरे हाथ में है, ठीक है। मैं आंटी को शो करूंगा जो आंटी दे रही है, कह रहा है ये मेरे पास पहले भी आते रहे, इनसे मैं रेट करके आया हूँ, ठीक है, इनके पेमेंट मैं कर रहा हूँ, ठीक है, इनको एंजॉय मैं करवा रहा हूँ। सली से बंदा देखें, आपका दिल ना माने, आप वहां पे बोले मेरा दिल नहीं मानता, आप अपनी पेमेंट वापस दें, मुझे जो 100-200 खुशी से देना हुआ देना और वापस आ जाना, रूम मैं दे देता हूँ ना आपको। क्या अबू जहल के नस्ल से? ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनने वाला मुल्क इस्लामी तो है, लेकिन इसमें क्या कुछ नहीं होता। अल्लाह हम सबको बचाए शराब की खुली फरावानी। मैं कल भी यहाँ था, ये तीन बच्चे हैं। अच्छा, ये कल बोतल मांग रहे थे, देखना अभी गुजरेंगे फिर मैं इनको 5 मिनट कहूंगा, माँ 5 मिनट बात करते हैं। नहीं नहीं बेटा, नहीं ठीक है ना मेरे भाई। बोतल अच्छा, कल कह रहा था सॉइल मांग रहा था, इसके लिए सॉइल मंगाई आज स्पेशल। अच्छा, अबे साले, ये हालत है मरी के। इसी रोड पे आपको आर्मी भी खड़ी मिलेगी, इसी रोड पे ट्रैफिक वाले और पुलिस वाले भी मिलेंगे। ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। 60 DPO की गाड़ी भी खड़ी है और इसी रोड पे टूरिज्म की कार गाड़ी भी खड़ी है, और इसी जगह पे और इसी रूट पे यही दलाल जगह जगह खड़े होकर अपना नापाक धंधा चला रहे होते हैं। हर पाकिस्तानी का हक बनता है कि इस घिनौनी हरकत के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें। इस वीडियो को लाजिमी शेयर करें। देखते रहिए 10x10 यूट्यूब चैनल।